तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार। आज और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, आज हमारा 26 जनवरी भी था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन जो है हमारा संविधान लागू हो गया था पूरे देश में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 डेट को याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके रेडी हो गया था। संविधान बनने में कितना समय लगा इसको आज थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान में कुल कितने तो अनुच्छेद थे, तो मूल रूप से 395 थे, 395 अभी हो गए हैं 470। और जब हमारा संविधान बना था तो 22 भागों में था, अभी हो गया है 25, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रख लीजिए। और संविधान का पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIP रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, वार्ड अटेंडेंट, निडिल वुमेन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और लाइब्रेरियन क्लर्क, और भी अगर पोस्ट है तो उसको अभी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम है 5 तारीख को और 9 दिन बचे हैं एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं तीन टॉपिक से जुड़े हुए हैं। पहला है ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और साहित्य, इसमें 10 क्वेश्चन है। और तीसरा है हमारा बायोलॉजी, इसमें 10 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है आज, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम शास्त्र नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम जो शास्त्र नृत्य है वह किस राज्य का है, केरल का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है, इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला या फिर जो भी आप लोग बोलते हैं गंगा सागर मेला, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह जो मेला है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है और यहीं पे आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है, या हरिप्रसाद चौरसिया सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, फ्लूट यानी कि बांसुरी जो है आपका, यह हरिप्रसाद चौरसिया जी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन अगले बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया था अगले साल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है। तो देखिए, 6 नृत्य जो है वह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जुड़ी हुई है, 2010 में लिया गया था। यह झारखंड, उसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में किया जाता है। हमारे झारखंड में भी किया जाता है 6 नृत्य। हम लोग यहाँ पे छवा नाच बोलते हैं, छवा नाच, ठीक है, आप लोग में से भी देखे होंगे। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। देखिए, तो आप सभी को देख लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, अभी मैं आपको दिखाया क्वेश्चन इसलिए दे दिया हूँ ताकि पकड़ पाएँ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, जी हाँ बिल्कुल सही है, 1 नंबर। अभी पढ़े थे हरिप्रसाद चौरसिया, यही बिल्कुल सही है, ठीक है। बिस्मिल्ला खान तो सानाई से जुड़े हुए हैं, जाकिर हुसैन तो जानते ही हैं तबला से जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह सभी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है गुजरात निम्न में से किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है, कौन सा, मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है 1591 में चार मीनार, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में, चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया, किस शैली का, भारतीय इस्लामिक शैली। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि
अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? तो दोस्तों यह बजाते हैं सरोद। ठीक है, क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया था अगले साल, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। संगीत नाटक अकादमी ने नवंबर 2020 तक भारत को शास्त्रीय नृत्य रूपों को कितने नृत्य रूपों में स्वीकार किया है? तो देखिए पहले 7 थे लेकिन अब जो है इनकी संख्या हो गई है 8, और 8वां है सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि सूर्य से प्रकाश, अब हमारे आ जाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इसमें है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में, मतलब निकलती है क्या, ऑलरेडी हमेशा निकली ही रहती है, पृथ्वी हमारा घूमता है, तो इसको पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, ऑलमोस्टली 8 मिनट रखिए, 8 मिनट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बोला जाता है, किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो किन ग्रहों के बीच ये भ्रमण करते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है, देखिए 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है, इन दो प्लैनेट के बीच में ये एस्टेरॉइड्स भ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, इसमें से ओनली 1 ग्रह ऐसा है जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और वह कौन सा ग्रह है? उस ग्रह का नाम है शुक्र। बाकी सभी, हमारा पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं 7 ग्रह, ठीक है, केवल शुक्र है जो एक अपोजिट, यार क्या हो जाता है यार, अपोजिट राउंड में घूरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वह संबंधित है ज्वालामुखी और भूकंप से, ऑप्शन 3 ज्वालामुखी और भूकंप से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पानी के भीतर डैश के कारण सुनामी आती है, तो पानी में भीतर क्या हो जाता है? यार पानी के भीतर जो है अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है जिसके कारण सुनामी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि इकोसिस्टम में अजैविक एबायोटिक कंपाउंड कौन सा है, अजैविक घटक कौन सा है? ठीक है, तो अजैविक जिसमें कि जीवन नहीं पाया जाता है, तो देखिए जल यानी कि वाटर, डफरिया, जीवाणु और कोलेरेला, तो इनमें से किसमें जीवन नहीं पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जल यानी कि वाटर में जो है जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय यानी कि मध्यान रेखा मिलती है? कर्क रेखा तो आप लोग जानते हैं भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और मध्यान रेखा वह है जो कि हमारे मानक समय को लिया गया है इलाहाबाद के अननी से 82.5 डिग्री, ठीक है, अब मिर्जापुर बोला जाता है, वही रेखा और ये कर्क रेखा दोनों जहाँ एक जगह पर टिक करते हैं वो किस राज्य पर टिक करते हैं? तो दोस्तों वह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में टिक करता है, और छत्तीसगढ़ जो है 2001 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, 2001 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान वर्तमान में है, पहले हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, नेचुरली जो है किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं वो बताने हैं, उपग्रह हैं। तो सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो हम लोग बना के भेजते हैं, ठीक है, और एक होता है नेचुरल जो कि खुद से है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा, अभी सबसे ज़्यादा है आपका शनि का, ठीक है, शनि के जो है स्टर्न जिसको बोलते हैं,
इनके 82 उपग्रह हैं और ये जो बृहस्पति है जुपिटर इसके 79 है। ठीक है, तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का, कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। तो वायु में बहुत से गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है, जनरली एक मिश्रण है, मिक्सचर है, और इसमें जो मैक्सिमम है वह हमारा क्या कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन। इसकी मात्रा कितनी होती है, 78%। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है ऑक्सीजन, इसकी मात्रा होती है 21%। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अरस्तु, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल कहा जाता है। पहले मैं जब हिंदी, मुझे तो मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, बाद में मैं 12th के बाद से मैं इंग्लिश पे फोकस किया, वरना मेरा इंग्लिश तो एकदम डब्बा था यार, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था। सच बताऊँ दोस्तों, 12th तक मुझे इंग्लिश ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था, मतलब आता था लेकिन उतना ठीक से नहीं कि मैं एकदम फराटेदार पढ़ दूँ। ठीक है, जहाँ बड़ा बड़ा सेंटेंस आता था रुक जाता था, तो एरिस्टोटल में समझ नहीं पाता था। एरिस्टोटल कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और इसके साथ साथ अरस्तु को जो है आप देखेंगे कि राजनीति शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है BCG, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ठीक है, ये एक वैक्सीन है या फिर टीका भी बोल सकते हैं। तो BCG की वैक्सीन या टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। हम लोग बचपन में बोलते हैं, आप लोग गांव घर में, कि BCG का टीका देते हैं। ठीक है, लेकिन वो BCG का टीका होता है, और आप लोग भी लगाए होंगे बाईं साइड में, मतलब कि अपने बांह में देखिएगा कि एक छोटा सा गोल गोल हो गया होगा। ठीक है, तो वही BCG का टीका है, और यह बच्चों को दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद, ताकि बच्चों में क्या हो जाए, TB की जो खतरा रहे वह दूर हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, TB। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, यही क्वेश्चन है। तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा है। क्लोरोफिल क्या है, तो एक प्रकार का पिगमेंट है, वर्णक है, ठीक है, जो पत्तियों में हरा रंग लाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिकोडर्मा क्या है। देखिए, नाम से ही पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि डर्मा, डर्मा मतलब कि डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, ठीक है, या चमड़ी का डॉक्टर हम लोग बोलते हैं ना। तो सिंपल सा है कि त्वचा यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और त्वचा जो है स्किन, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है या फिर अंग है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा लीवर यानी कि जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। कौन सी नस फेफड़ों से दिल में साफ रक्त रेके जाती है, दिल में, जिगर में जान लीजिए, या हार्ट में। ठीक है, कौन सी नस फेफड़ों से हमारे हृदय में साफ रक्त यानी कि प्योर ब्लड को, प्योरीफाई ब्लड को लेकर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सीरा या पल्मोनरी नस, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो देखिए, त्वचा से सांस लेता है कौन सा जीव, 4 ऑप्शन है, केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म ना, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और केचुआ से बचपन में हम लोग यार मछली पकड़ा करते थे, आप लोग में से कोई पकड़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकार में स्मृति हानि मुख्य लक्षण है, यानी कि जो है इसकी याददाश्त, मेमोरी लॉस होने लगती है धीरे धीरे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस रोग को बोलते हैं दोस्तों अल्जाइमर रोग। क्या बोलते हैं, अल्जाइमर रोग। ठीक है, इसलिए मतलब अगर आप बादाम खाते हैं तो अल्जाइमर रोग धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाता है। वैसे कहने की बातें हैं यार, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी खून वो कलेक्ट कर लेगा आप जो भी दीजिए, तो इसको बोलते हैं AB पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर है, O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है, और AB जो पॉजिटिव होता है ये यूनिवर्सल रिसिपियंट होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो बस आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और 2 क्वेश्चन हैं, जल्दी से कर लेते हैं।
अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने में मदद करता है। देखिए हार्मोन पूछा गया है और पादप हार्मोन है, यह बॉटनी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हार्मोन इसका राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा गया है कि एक पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी निर्मित होती है। देखिए सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और लाइपो प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, तो बस 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, एंड एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, पढ़ना लिखना भी है, सब कुछ करना है लाइफ में कंट्रोल के साथ, संतुलन का नाम ही है जीवन दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा करना है कि सब कुछ एंजॉय है, पढ़ाई भी चलता रहे। ठीक है, बाय। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, कल एक दोस्त ने बोला कि यार PDF आप नहीं दिए। देखिए दोस्तों, जब भी 50 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा रहे क्वेश्चन तभी मैं आपको PDF दिया करूँगा, इससे अगर कम क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, मतलब रोक दीजिएगा वहीं पे और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना कम के लिए PDF नहीं बनाने का मन करता है, वैसे भी फाइल वगैरह फुल हो जाता है जल्दी यार। ठीक है, जल्दी फुल नहीं होता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाता है, और 30 क्वेश्चन के लिए क्या ही PDF बनाएं, आप लोग इजीली कर लीजिएगा। इसमें तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन आप लोग को आते ही होंगे, और मतलब किसी किसी को तो 4-5 क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे, बाकी सब तो आता ही होगा। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन जितने भी नहीं आते उन सबको नोट कीजिए, जितना आता है उसका तो रिविजन हो गया। थैंक यू, बाय एंड जय हिंद जय भारत। आज तो गणतंत्र दिवस है और वसंत पंचमी भी है, सभी को इन सब की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, बाय।